हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर्ट चैनल अगेन। आज हम यहाँ पर विकिंग मनाएंगे। हैप्पी न्यू ईयर आप सबको मेरी ओर से। तो गाइस, अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आज रात हम लोग मनाएंगे वेटिंग नाइट 2024 की वेलकमिंग यहाँ पर करेंगे। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, अपने अपने यहाँ पर टेंट को सेटअप कर रही है सब। देखिएगा, हम देख लेगा तुम लोग का टेंट को। नेहरू ना। और गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हो रहे हैं रोस्टिंग। देखो, ये है फॉग, लेकिन मैं नहीं काटी फॉग। यहाँ पर देखो तो गाइस, अभी हम लोग लेडूम पे हैं, तो यहाँ पर हम लोग वेटिंग नाइट मना रहे हैं। देखो गाइस, इतना बड़ा अब कैंप हो रहा है यहाँ पर, देखो। उसके बाद तो अभी हम लोग 12 बजे की इंतजार कर रही है। तो यहाँ पर है पापा और बेटी, दोनों की प्यार यहाँ पर झलक रही है। पापा की परी है ये। तो गाइस, यहाँ पर आपको देखा है, इतनी सुंदर है, करीब से देखा है तो। और यहाँ पर ये मेरी 2023 की आखिरी डांस होंगे, इसलिए मैं झूम रही हूँ। केक दिखा दो, बुरा लोग करने दो, बुरा लोग। पापा लोग आओ, उसको भी दिखा दो, पापा को कटने दो, मम्मी कटने दो। कुछ ही देर का बाद केक कटिंग शुरू होंगे और 2024 की वेलकम होगा और 2023 की बाय बाय गाइस। कितना बज गया टाइम? 2 मिनट्स। ए, हम बॉस है तू ना, हम कटते कर ना। अरे वो चाकू ने तो गाइस, हमारे जितने माम और हमारे भाभी यहाँ पर केक काट रहे हैं। तो आई विश भगवान की कि हमारी इस 2024 में बहुत सारे ढेर सारी खुशियाँ लाए। Happy New Year. हाँ मैम, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर 2024, हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। आज
मैं यहाँ पर न्यू ईयर खाएंगी। देखो यहाँ पर गाइस मेरे लोकेशन। तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, गुड मॉर्निंग। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ। गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। कैसा लगा यार मैं? तो गाइस अभी यहाँ पर हम लोग ने पासी जाल लगाए थे, उसे अभी अब देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो ये रामाम और यहाँ पे ताराम, दुनिया का सबसे अच्छा ताराम। अब्बा देखो इतना सारा मछली। ये हम नन्ना के लिए निकल दे रहे हैं। ये नन्ना है क्या? और गाइस अभी हम लोग फार्म से जो पी स्पॉन है वहाँ से हम लोग देखो मछली ये पकड़ रहे हैं, मछली निकाल दिए। देखो गाइस ये आज रात के डिनर के लिए। तुर दो यहाँ का मछली का टेस्ट ही कुछ अलग है। तो गाइस अभी आप सबको मैं इस प्रॉपर्टी की ओनर से मिलाती हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तो भाभी आपका ये फार्म कितना एकर्स में पहले है? ये यहाँ आपका 10 हेक्टर से। और इसका फार्म का अभी तक हमको नाम पता नहीं है। ये फार्म का नाम रीने फार्म है। और रीने फार्म ऐसा है कि यहाँ पे हम अभी डेवलप कर रहे हैं, यहाँ रिजोर्ट बनाएगा अभी। और इस बार आप तो देखा ही है मेरा ये फार्म हाउस है, इसमें आपका मुर्गी है, इसके बाद में सुअर है, गटरी है, और ये आपका ये पीसफुल है। और पीसफुल और ये में टोटल अभी तक तो इस साल ये न्यू ईयर में ही हमको 3 लाख मिला अभी तक। ये एक कल ही एक दिन में इतना मिला है। अभी 7 पुकड़ी बाकी है, अभी सिर्फ 4 तो हम लोग कल ही किया। बात ये है कि ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, इसमें टोटल मिला के हम लोग गोटरी फिगरी और फिशरी साथ में अभी हम ऐसा हो रहा है कि अब तो देखा ही उधर डेवलप हो रहा है रिजोर्ट के लिए। अभी रिजोर्ट करेगा 11 साल आने वाला, 2 साल के बाद में रिजोर्ट खुल जाएगा। और आप लोग आराम से आइए, फिल्म बनाइए। अभी देखिए हॉर्टिकल्चर भी है सब। अभी ये लोग भी पेड़ लोग भी जितना फ्रूट बियरिंग ट्री जो है वो अभी थोड़ा बड़ा हो गया, 3 साल के बाद में ये भी फ्रूट बियरिंग होना शुरू हो जाएगा। तो थैंक यू। ओके थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर। कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इतना बड़ा फार्म है, और जो यहाँ की ओनर है ही इज सो काइंड, ही इज लाइक बहुत खुश मिजाज इंसान है। जो नेचर लवर है यहाँ पर आ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, पिकनिक स्पॉट भी बनाया है। हैप्पी न्यू ईयर। ये तमाम दोपहर कल इधर लाइए कौन हैप्पी न्यू ईयर। कैसा लग रहा है यहाँ में आके? तो गाइस देखो ये हमारी टोकरी है, यहाँ पर अभी सामान लेके वहाँ पर जाएंगे हम पिकनिक स्पॉट पर। तो ठीक है चलिए। वो किधर है? मुझे इधर आई अब मरो करो इनम को मरो ना का आ नको मासंग इधर आई आते रहते उपाय का कुमा चल पुया। तो गाइस ये है लेदुम सिले करोंग। आज हम लोग यहाँ पर खाएंगे हमारे न्यू ईयर पिकनिक पार्टी। तो चलिए और लोगों से मिलाती हूँ। कैसा लगा ये आज का पिकनिक? बहुत बढ़िया। हैप्पी न्यू ईयर। या और सुम्पी था ना, सुम्पी वहाँ पर आकर हमको भी बहुत ही खुशी मिल रही है। देखो मेरा खूबसूरत बुआ देखो। तो चलो हम लोग यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रही है, कर रही है कि नहीं? हाँ। टेंट कैसा था घर का? बहुत ठंडा, बहुत ठंडा, बहुत ठंडा, बहुत ठंडा। ये नहीं क्योंकि ये बीच में सोया ना हम दोनों, कोना में था, ये दोनों कोना में था, तो ये दोनों के लिए तो ठंडा था। मेरे लिए तो हम रात भर नहीं सोया, सिर्फ
शिवलिंग करके बैठे हैं। यहाँ पे दिखा लो क्या है, ये है आज हम लोग के लास्ट क्या है, ये पोर्क है ना। तो देखो गाइस ये कैमरा सा है, इसे मैं नहीं दिखाऊंगी। सब आ जाओ, फ्लाइट नहीं खेल रहे अभी, आ जाओ। तो गाइस अभी हमारी खेल शुरू हो गई, हमारी न्यू ईयर की बच्चा पार्टी की खेल। तो उसका प्राइस रखा गया है 1000 रुपीज। तो कौन बनते हैं विनर, चलिए देखते हैं। Oh!
पाइप के डायरेक्ट। तो गाइस थोड़ा देखते हैं अभी यहाँ पर हो रहे म्यूजिकल चीयर। तो चलो कौन विनर बनती है इसको देखते हैं। इनको एला लुकते नानी किधर है? यायो एला नानी किधर है? इके एगा गे तो वामे आमार आई को है ना तुझे ओके आई तो ये ओके मना तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब बच्चे बन गए हैं। देखो यहाँ पर तो यहाँ का विनर प्राइस को 20 रुपीज दे रहे। तो फाइनली यहाँ पर मिल गया विनर को 1000 रुपीज। Guys, now I'm going to show you the aerial view of this beautiful farmhouse. यहाँ पर आप देख सकते हैं। और guys, happy new year. May this day of the new year we fill with love, laughter and gratitude. आप सबको और आप सबकी फैमिली को। तो गाइस यहाँ पर बनाएंगे रिजॉर्ट रिनर फार्म हाउस के अंदर पर बनेंगे एक खूबसूरत रिजॉर्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मैं भगवान से विश करती हूँ कि मेरी बीबी की ये विक प्रोजेक्ट सक्सेस हो और ये बहुत अच्छी तरह से इसकी प्रोजेक्ट पर कामयाबी हो। और गाइस यहाँ पर एवोकाडो की प्लांटेशन भी किया गया है। और यहाँ पे इतनी सारी पीस पॉन है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ की पीस इतनी फ्रेश और टेस्टी है कि आपको आप एक बार खाएंगे तो बार बार खाने मन होंगे। यहाँ की पीस इतनी फ्रेश यहाँ पर फ्रेश वाटर पर यहाँ पर फाला गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी सारी पीस पॉन। और यहाँ की पीस इतनी टेस्टी है और यहाँ की फ्रेश है। हाइजीन को भी इतनी अच्छी तरह से यहाँ पर मेंटेन किया जाता है। और इस रिने फार्म हाउस की ओनर के नाम है ER ओलिंग तालो। जो रिश्ते में वो मेरी ग्रैंडफा है। और गाइस इस खूबसूरत फार्म हाउस के सामने में है इतनी खूबसूरत रिवर जिसे लेदुम स्लेकोरम कहते हैं। देखो यहाँ पर आज हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं। तो गाइस ये रहा हमारा बीबी यहाँ पर कुछ लॉन्च कर रहे हैं। ही इज वेरी डाउन टू अर्थ इसलिए सब इसे इतना प्यार करते हैं। तो
मेरी आज की ब्लॉग यहीं पर एंड होती है, मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस और हैप्पी न्यू ईयर आप सबको, बाय।